हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स। इस वीडियो सीरीज का ये वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको कोडिंग सीखना है तो डिफरेंट पर्पजेस के लिए आपको क्या सीखना होगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको अगर कोडिंग लर्न करना है, सीखना है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो तो अभी आपको पता चल गया है। अभी आपको मैं सिखाने वाली हूँ कि अगर आपको अभी कोडिंग करना है तो किस पर्पज़ के लिए करना है, तो आपको क्या पढ़ना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये हमने लास्ट टाइम देखा था कोडिंग हमें क्यों सीखना है। तो अगर हमें खुद की वेबसाइट डेवलप करनी है तो हमें कोडिंग आने की ज़रूरत है। हमें गेम्स डेवलप करने हैं तो भी हमें कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है। ऐप डेवलप करने के लिए, प्लेसमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए और बहुत सारे नए चीज़ें जो है वो सारे करने के लिए आपको कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। अगर हमें वेबसाइट डेवलप करनी है, मतलब कि हमें फ्रंट एंड डेवलप करना है, तो आपको क्या आना ज़रूरी है। तो आपको HTML आना बहुत ज़रूरी है। HTML के टैग्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको CSS जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो भी आना ज़रूरी है। अगर आपको HTML आता है तो आप बेसिक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। CSS आता है तो आप बहुत अच्छे से स्क्रिप्टिंग करके अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। JS अगर आता है तो वो भी आपको, ये जावा के बेस में होता है, तो ये अगर आता है आपको तो एकदम अच्छे से आप आपका वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। और ये जो Django फ्रेमवर्क होता है वो पाइथन के लिए होता है। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है और अगर आपको फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है तो Django आपको हेल्प करेगा वेबसाइट डेवलप करने के लिए। तो इनमें से अगर आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो और जो कि आपको सबसे अच्छा पसंद हो तो वो यूज़ करके आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप जो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, उसमें अगर आपको कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको पाइथन आना ज़रूरी है, आपको आर प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है और आपको मैटलैब आना ज़रूरी है। इनमें से अगर जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ करके, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके आप इधर डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो या मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स, एल्गोरिदम्स डेवलप कर सकते हो। और अगर आपको गेम डेवलप करना है तो गेम डेवलप करने के लिए आपको C++ का नॉलेज ज़रूरी है या तो फिर आपको C# आना ज़रूरी है। इनमें से आपको अगर C++ आता है तो ईजीली आप गेम्स डेवलप कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं ऐप डेवलपमेंट। अभी आप लोगों को पता है ऐप जो डेवलप होते हैं वो आइदर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप होते हैं और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप होते हैं। अगर आपको जो ऐप डेवलप करना है वो iOS के लिए डेवलप करना है तो आपको स्विफ्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या करती है, आपको ऐप डेवलप करने में मदद करती है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो iOS के लिए, एप्पल के लिए। और अगर आपको एंड्रॉयड के लिए ऐप डेवलप करना है तो आपको फिर से जावा आना ज़रूरी है। और ये कॉटलिन करके जो है वो स्पेसिफिकली एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए यूज़ होता है, बहुत ईजी होता है, जिसकी मदद से आप ऐप ईजीली डेवलप कर सकते हो। क्या है ना, छोटे छोटे बच्चे भी ऐप अभी डेवलप करते हैं तो वो कॉटलिन यूज़ करके ऐप्स डेवलप करते हैं। तो कॉटलिन बहुत ईजी है। अगर एक बार आपको कॉटलिन क्या है, कैसे करना है ऐप डेवलप, वो समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है आपके लिए एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना और वो प्ले स्टोर पर डालना। अभी आप देख सकते हो कि नेक्स्ट वाला जो है वो प्लेसमेंट, अगर आप प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो, राइट, आपका अभी ग्रेजुएशन होने वाला है, हो रहा है, और अभी आपको प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल हो, तो उसके लिए आपको एक बार ये देख लेना है कि क्या आपको C++ लैंग्वेज आती है, क्या आपको पाइथन लैंग्वेज आती है, क्या आपको जावा आती है और क्या आपको एडवांस जावा आती है। क्योंकि बच्चों ये एक बार जान लो, अगर आपको प्लेसमेंट करना है, अगर आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है तो मिनिमम इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको ये आता नहीं है तो
दिस ओनली द राइट टाइम, आपको इसके लिए स्टार्ट होना है, आपको ये पढ़ना है, समझना है और आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बगैर बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आपको आनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस बट इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कवर करने हैं, तो इसलिए मैं आपको एटलीस्ट ये चीज़ों पे फोकस करने के लिए बोलूँगी। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये चारों चीज़ें आपको आने चाहिए। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वॉक कर सकते हो, मिनिमम C++ तो आनी ही चाहिए। अगर आपको C++, ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आते हैं, तो जावा कोई डिफिकल्ट नहीं है, और अगर जावा आती है तो एडवांस जावा भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आप ये स्ट्रीम पकड़ के भी आप जा सकते हो, अदरवाइज पाइथन तो ये तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी से स्टार्ट कर लो और पाइथन सीख लो, आपके लिए प्लेसमेंट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। और अभी हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अगर आपको डेवलप करना है तो आपको क्या चेक करना चाहिए। सॉफ्टवेयर अगर आपको डेवलप करना है तो जावा आना चाहिए, C# आना चाहिए, गोलैंग आना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे है जो आपको आनी चाहिए अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। बट ऐसी बात नहीं है कि आपको सभी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अगर आपको जावा आती है, इफ़ यू आर फ्लुएंट इन जावा, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही C# अगर आपको आती है तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है। गोलैंग जो है वो एक नया लैंग्वेज है, वो बहुत सारे फीचर्स सपोर्ट करता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर फीचर्स को डिमांड करता है तो उसके लिए गोलैंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको सीखना होगा, और वो सीखने के बाद यू कैन डेवलप सॉफ्टवेयर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि आपको क्या पढ़ना, क्या सीखना, कौन सी लैंग्वेज के लिए आपको प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है, और उसके बाद आप आपका गोल अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो और उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रोग्रामिंग।